टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो करो। हम दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यार आजकल हमने मतलब काफी लोग बोल रहे थे आप सिटीज वगैरह नहीं देखते, तो मतलब हमने एक अलग से वीडियो बना रहे हैं तो सिटीज के लिए स्पेशल होगी। तो काफी लोग बोल रहे थे किस तरह हमने मुंबई सिटी की थी मतलब परसों, तो काफी लोग बोल रहे थे ढोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है गुजरात में, जो कि मतलब इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी है क्योंकि इस तरह प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में बताओ। तो 2020 की ये वीडियो है, डेविड यूट्यूब चैनल है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से देखते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी कैसे होने लगी है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अरे बहुत इसका मैंने भी सुना है। स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी ढोलेरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद है। शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से अनोखा है। शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ी जा रही है, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और इसलिए इसे फ्यूचर स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं ढोलेरा के बारे में डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो मिलते रहे। गुजरात के अंदर बन रहे इंडस्ट्रियल सिटी ढोलेरा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस शहर को अहमदाबाद शहर से 45 किलोमीटर दूर समुन्दर के किनारे बनवाई जा रही है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में ढोलेरा सिटी का प्रपोज किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च की गई और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा। ढोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है, जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वही ढोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। ढोलेरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज ढोलेरा पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाए और इसलिए शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि ज्यादा करके ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड हो, न्यू कंपनी सेटअप करना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, एक छोटी सी क्लिक से सारी चीज आपके मुट्ठी में। और बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी प्रोसेस होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा नजर शहर के डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट बनवाई जा रही है। ढोलेरा में कोई वायर्स ऊपर से नहीं जाएगा, सारे के सारे अंडर पाइपलाइन से ले जाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर लाइन, ड्रेन लाइन, सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बारिश होने के बाद पानी शहर के अंदर जमा नहीं होगा, इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शहर में कॉमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग एकदम अलग अलग रखा गया है, इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ही कम होगा। शहर के अंदर स्मार्ट हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्मार्ट पार्क, स्मार्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए भी तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए शहर के अंदर ABCD बिल्डिंग बनाई जा रही है। अच्छा। बच्चों की पढ़ने की ABCD नहीं, ABCD का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन काम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर ढोलेरा। अच्छा। शहर में जो कुछ भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है वो सारे इंटरनेट के द्वारा ABCD बिल्डिंग में कनेक्ट रहेगा। इन सारे टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर्स लोग रहेंगे। कोई भी फैसिलिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ABCD बिल्डिंग उन डिपार्टमेंट के लोगों को खबर कर देगा। लाइक कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम या फिर भूकंप जैसे हादसे में ABCD बिल्डिंग शहर के लोगों को पता लगने से पहले ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सतर्क कर देगा। अच्छा। इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 5 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी शहर में। बिजली तैयार करने के लिए भी यहाँ पे सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। मतलब जरा सोचिए, शहर अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुका है। शायद इसे कहते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। कोई शक नहीं, कोई भी शहर बने, खासकर इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए।
इसलिए 6 लेनों की एक्सप्रेस वे, धोलेरा अहमदाबाद मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सामुद्रिक पोर्ट भी शामिल है। मतलब शहर में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी शहर में इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी बन रहे और शहर में क्या क्या होने वाला है शायद मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे यार इस वीडियो का ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप आते हैं इस पे तो वजाद मतलब ये ढोलेरा था, ढोलेरा था जो भी था ऐसा वैसा शौक करके सब कुछ स्मार्ट है इसमें, इसमें सब कुछ स्मार्ट होगा। मतलब जमीन के जिस तरह भी इस्लामाबाद में हमारे वो नहीं है, नीचे से पहले वाला निजाम अलग था, खंभे लगते थे, तारे जोड़ दो। अभी भी बाकी सिटीज में यही होता है, सिर्फ इस्लामाबाद जो हमारे कंट्री में वाहिद है, जो नहीं है। बाकी जो मतलब छोटे छोटे जिस तरह बैरियर टाउन हो गए उनमें नहीं है ये सिस्टम। बाकी यार सच में बहुत शॉकिंग है, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज में एबीसीडी बिल्डिंग लगी। सबसे पहले मुझे जैसी मतलब कोई हल्की सी कुछ भी हुआ उधर उनको फौरन पता लग जाएगा इधर फॉल्ट है, फौरन बंदे भेज देंगे। एग्जैक्टली कोई लाइट का प्रॉब्लम या कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम या किसी ऐसी मतलब 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो यार ये मतलब बताओ कितना हो गया, कितना रहता है, मतलब क्या चक्कर है इसका, मतलब कितना रहता है और ये कितना परसेंट, वही ना मोशे कितना परसेंट बन चुका भाई, इतना स्मार्ट, मतलब स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट यूनिवर्सिटी, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट सब कुछ, स्मार्ट 6 लाइनों वाला एक्सप्रेसवे, 6 लाइनों वाला एक साइड 6 लाइन यार पूरा, यार मतलब ये एक एरिया को पकड़ के पूरा स्मार्ट सिटी बना दिया है। और वो मॉडल देखा था उसका सिंगापुर से बड़ा, वो काफी मुझे शौक है उस बात ये तो लगता है एक मतलब कि वो है सिंगापुर समझ, एक मतलब बड़ा वो कंट्री, एक कंट्री एक किस्म का बन रहा है, जिस तरह सिंगापुर, जिस तरह यूएई है, दुबई, दुबई है, जिस तरह इस तरह ये एक है। यार सच में शॉकिंग, क्या क्या कर रहे हो यार, कैसे कैसे डेवलपमेंट तुम लोग कर रहे हो। इसको बंदा सोचता है तो एक मतलब शॉक होता है, नेक्स्ट लेवल की ये चीज लगती है कि भाई सब कुछ स्मार्ट होगा, मतलब सब कुछ एक चीज से कंट्रोल होगा, एक क्लिक से कंट्रोल होगा। और बिल्डिंग्स के डिजाइन तूने देखे कितने लश थे, मतलब के इसमें पोर्ट भी इसी के अंदर, रेलवे भी इसी के अंदर, कुछ इसके अंदर, एयरपोर्ट भी इसके अंदर, एयरपोर्ट भी इसके अंदर, जहाज भी इसके अंदर, हर चीज होगी। तो यार इसका मतलब बताना ये कब तक बन जाएगा, और यार बहुत बहुत मुबारक हो इसका, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और इस तरह की सुना है इंडिया में और भी स्मार्ट सिटीज बहुत सारी। अच्छा चलो, लेकिन ये सबसे बड़ी मानी जा रही है, क्या चक्कर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।